हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस ओलंपियाड के क्लास फोर्थ के मॉडल पेपर SOF ओलंपियाड से, जो कि 2022-23 के हैं। तो चलिए इसके सैम्पल पेपर मैं देखती हूँ और साथ ही आपको मैं क्लास फोर्थ के और भी सब्जेक्ट के ओलंपियाड पेपर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश के, कंप्यूटर्स के, मैथ्स के, इन सभी के लिंक मैं उसमें डाल दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सैंपल पेपर्स है साइंस का। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस, सिलेबस एंड एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे 35 आते हैं क्लास फोर्थ के लिए और टाइमिंग 1 घंटे का रहता है। पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के अंतर्गत 3 पेपर सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहता है, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स एज पर क्वेश्चंस 1 रहते हैं। साइंस से 25 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन 1, एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चंस जो है हमारा 2 रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिलेबस। सेक्शन 1 के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस हो जाता है, पैटर्न, अल्फाबेट, टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेज, जियोमेट्रिकल शेप एंड सॉलिड, एम्बेडेड फिगर, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, डेज एंड डेट एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। सेक्शन 2 के अंतर्गत हो जाता है प्लांट, एनिमल, फूड एंड डाइजेशन, ह्यूमन नीड्स, मैटर एंड मटेरियल्स, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट, अर्थ एंड यूनिवर्स। एंड सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर क्वेश्चन 2। चलिए अब लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिससे कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देयर आर नंबर ऑफ क्यूब्स इन गिवन फिगर। इस फिगर में कितने क्यूब्स हैं, तो चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर्स ऑफ 8 हुआ, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन गिवन फिगर पैटर्न। ये फिगर चार्ट फिगर्स दिए गए हैं बॉक्स में, इसको पैटर्न समझकर नेक्स्ट बॉक्स किस प्रकार का होगा वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा देखिए, ये दिल का शेप है एंड सर्कल एंड ट्रायंगल। तो ये जो है हमारा एक एक बॉक्स आगे की तरफ खसकता जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज। देखिए ये दिल सेकेंड वाले बॉक्स में इसके पोजीशन पे आ गया, सर्कल ऊपर चला गया, ट्रायंगल इधर चला गया। एक एक बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार ये जो है एक बॉक्स ऊपर आ गया, सर्कल नेक्स्ट में, फिर ट्रायंगल नीचे, फिर यहाँ से इसी से फिर ये बॉक्स इधर आ गया, एक बॉक्स आगे बढ़ गया दिल का सेप, फिर सर्कल नीचे एंड ट्रायंगल इधर हो गया। तो नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा नीचे आ जाएगा, तो ट्रायंगल हमारा जो है इस प्रकार का बन जाएगा। देखिए इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एक एक बॉक्स हमारा ये हो रहा है। तो ये दिल शेप यहाँ पर हो जाएगा आपका, सर्कल इधर हो जाएगा एंड ट्रायंगल इधर हो जाएगा। तो इस तरह का जो ऑप्शंस है हमारा कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस जो है हमारा सी में हो रहा है। देखिए ये दिल से ट्रायंगल ऊपर हो गया, सर्कल जीरो, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
In a certain code language, if board is written as $3% has 6 and rope is written as has 3 5 at the rate, then peer is the data as. तो देखिए यहाँ पर बोट शब्द जो है बोट के नीचे ये शब्द हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिख देंगे एंड रोप के नीचे ये वाले पूरे लिख देंगे. तो इस तरह लिखने के बाद हमारा P के लिए जो वर्ड आ जाता है P इज़ इक्वल टू फाइव हो रहा है. E इज़ इक्वल टू A हो रहा है. देखिए यहाँ पर E है, E इज़ इक्वल टू A हो रहा है एट द रेट एंड A इज़ इक्वल टू परसेंटेज एंड R इज़ इक्वल टू हैस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. इस प्रकार आप एक के नीचे एक अरेंज करके लिख कर देखेंगे तो वो आंसर आपको आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. जो कि साइंस से है. द गिवन पिक्चर शो द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई अरेंज रैंडमली सेलेक्टेड द शेप ऑफ its life cycle during which it is a most active eater and the least active. तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. A, B and G, E and F, D and E और F and G. A और B दो कॉलम बना हुआ, इसमें हमें सबसे पिक्चर के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्टिव ईटर निकालना है और लिस्ट एक्टिव. तो मोस्ट एक्टिव एंड लिस्ट एक्टिव के अंतर्गत हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी. ई हमारा जो है मोस्ट एक्टिव ईटर हो जाता है एंड एफ जो है हमारा लिस्ट एक्टिव हो जाता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे अब हम आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which of these illustrates sea breeze? Sea breeze इसमें से किस प्रकार का दिखेगा? A, B, C and D. तो चलिए इसका जवाब आप खुद सोच कर देंगे. तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ और आप बताएं कि इस कौन ऑप्शन ये क्यों हुआ. तो चलिए करेक्ट आंसर इज इसका ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6. Is an imaginary line that runs from North Pole to South Pole. Okay, North Pole to South Pole. It is the listed of angle of 23.5 degree. क्या हो जाएगा? Equator, axis, orbit, and none of these. Correct answer is axis. The food prepare of leaf is used to plant of their daily activities. Daily activities. The exercise food. The excess food get stored as starch in roots, stem, fruit, all of these. Correct answer is option D, all of these. Next question number. Refer to given conversation. Me too. Mummy, please stitch a cotton frock for my doll. Mother, sure me too. She must be filling dash wearing woolen in dash. Select the correct option. Fill in the blank with above conversation. A. Hot and summer. B. Cold and summer. C. Wet and winter. Winter. D. Cold and winter. So, correct answer is option A. Sure me too, she must be feeling hot, wearing woolen in summer. Next question number. Achiever section se ho jata hai. The given graph shows the amount of changes in the number of fish in a water body in the year. Select the incorrect option regarding this. Number of fish and time. Idhar ho rahe hai. At time P, some factory was established near the water body that discharged its used water in it.
B. At a time Q, the factory was relocated to some other part away from the water body. C. At a time R, large amount of oil was accidentally spilled into the water body. And D. At time S, a new factory was established near the water body. Correct answer is option D. D is the incorrect option. 10. The given graph showing the distance between the particle of three sample P, Q, R. P, Q, R having water in the different state of matter. Which of the following will not have X fixed shape only, Y fixed shape and volume? So, correct answer is यहाँ पर देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स पी क्यू आर में हमारा ये डिस्टेंस हो रहा है, एक्स हमारा फिक्स्ड शेप ओनली है एंड वाई फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी एक्स आर हो जाएगा एंड वाई जो है हमारा पी हो जाएगा. y जो है हमारा ये हो गया अपना y हो गया एंड x इक्वल टू r ये हमारा हो गया x. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही क्लास फर्स्ट की वर्कशीट एंड एक्स्ट्रा ओलंपियाड के सैंपल पेपर देखना ना भूले, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. थैंक यू.